राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर में चारों सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग हमीरपुर के बचत भवन में की गई। इस अवसर पर DPRO हेमंत कुमार भी मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कलाकारों ने गायकी नृत्य के अलावा अलग अलग प्रतिभाओं को मंच पर प्रस्तुत किया। DPRO हेमंत कुमार ने बताया कि चारों सांस्कृतिक संध्याओं के लिए बचत भवन में ऑडिशन लिए गए हैं और इसमें युवा और स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि 150 के करीब कलाकारों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया है, जिसमें से बढ़िया व अनुभवी कलाकारों का चयन किया जाएगा। जो हमारे सुजानपुर में राष्ट्र स्तर का मेला आयोजित किया जाता है, उस मेले में जो चार सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं, उसमें स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए आज यहाँ पर बचत भवन में उन सबके ऑडिशंस रखे गए हैं। जो हमीरपुर जिला से संबंधित हमारे जितने भी लोग कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन का एक प्रयास है कि जो हमारे युवा जितने भी हमारे यहाँ पे कलाकार आए हुए हैं, उनको ऑडिशन के माध्यम से उनका चयन किया जाए। लगभग हमारे पास 150 से अधिक जो एप्लीकेशन हैं वो अभी तक पहुंच चुकी हैं और इसके लिए एक जजिस का पैनल गठित किया गया है, जिसमें संगीत के जो माहिर हैं, संगीत प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज के हैं, साथ में आकाशवाणी से जो संगीत के जानकार हैं और साथ ही जिला लोक संपर्क अधिकारी के कार्यालय के जो हमारे सहायक लोक संपर्क अधिकारी हैं, उन्हें इसमें जज की भूमिका दी गई है। तो एक हमारा प्रयास है कि यहाँ से जो चक्कर जाएंगे हमारे कलाकार, वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें और साथ ही यहाँ पर जो हमारे अन्य जिलों के कलाकार हैं, उनका चयन जो है वो चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसके कि अध्यक्ष जो है वो अतिरिक्त उपायुक्त। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर 18 से 21 मार्च तक सुजानपुर में मनाया जा रहा है और मेलों के लिए तैयारियां प्रशासन से पूरी कर ली हैं। बस खड़ी हम मेरी कमला।